हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंचवर्ष योजना की पार्ट थ्री में। ठीक है, पंचवर्ष योजना की पार्ट थ्री में अगर बात की जाए, ठीक है, पार्ट थ्री में, तो अभी तक हमने 1 से 5 तक की पंचवर्ष योजना को देख लिया है। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 1985 तक चली है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को क्या करना था, खत्म करना था तथा आर्थिक विकास को गति में लाना था। ठीक है, इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन के आई। इस योजना को दोबारा तैयार किया गया। ठीक है, पहली बार जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 के कार्यकाल हेतु अनवरत योजना शुरू की गई थी, परंतु 1980 में बने इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से पुनः आरंभ कर दिया गया। इस योजना का काफ़ी सफल रही। ठीक है, यह योजना काफ़ी सफल रही। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.2 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि कितना हो गई, 5.7, मतलब 5.2 की लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लेकिन 5.7 हो गया। ठीक है, ये योजना क्या हुआ, सफल रहा। इस योजना का मुख्य तो मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या क्या है, नंबर एक का है, नबार्ड बैंक की स्थापना इस योजना के दौरान ही की गई थी। ठीक है, नबार्ड बैंक की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा, छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने पर जोर भी दिया गया था। ठीक है, आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना इसकी प्राथमिकता थी। ठीक है, देश में इकोनॉमिक व आर्थिक उदार की शुरुआत करना था। ठीक है, योजना के द्वारा फैमिली फैमिली प्लानिंग भी शुरू की गई थी। अब देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चली है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और अनाज के उत्पादन को और अधिक मात्रा में बढ़ाना, ठीक है, तथा नागरिकों के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करना था। ठीक है, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना तथा क्षेत्र के विकास कार्य करना। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.0, लेकिन वृद्धि हुआ 6.01। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई थी। तीन योजनाएं इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लागू की गई थी। नंबर वन पर बात की जाए तो जो 1985 से 86 तक चली इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, 1985 से 86 से चली इंदिरा गांधी आवास योजना। बात की जाए दूसरी तो 1989 के बीच जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, फिर नेहरू रोजगार योजना जो 1989 में ये भी शुरू की गई थी। ठीक है, अगर बात की जाए इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या रहे, तो देखा जाए तो नंबर वन पे है रोजगार के नए अवसर को प्रदान करना था। ठीक है, रोजगार के अंतर्गत भोजन का काम उत्पादन और नया नारा दिया गया था। ठीक है, इस योजना के द्वारा भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, ग्रामीणों के विकास हेतु कार्य करवाए गए। ठीक है, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाए तथा इसके लिए योजनाएं बनाई गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश को जारी रखा गया। ठीक है, नई नीति और कार्यक्रम पर जोर दिया। अगर बात की जाए आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो 1992 से 1997 तक चली है, ये किसके मॉडल पर आधारित है, तो ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों से संबंधित कार्य करना था। ठीक है, तथा समाज संसाधनों हेतु कार्य जैसे शिक्षा स्कूल का निर्माण करना, शिक्षा से जुड़े योजनाएं तथा रोजगार और समाज के विकास हेतु नई नीतियां बनाना था। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत भी इसी दौरान की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत भी इसी दौरान की गई थी। ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसकी प्राथमिकता मिली। सरकार ने ऊर्जा के खर्च 26.6 की प्राथमिकता दी। यह योजना भी सफल रही। इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि कितना हुआ, 6.8। इस योजना के तहत आर्थिक नीतियों को मजबूती मिली गई थी तथा जिसे नरसिंह राव ने मजबूत किया। ठीक है, तथा आर्थिक नीति जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आदि की विकास किया गया। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि इस योजना में मुख्य उद्देश्य व कार्य क्या रहे, तो शिक्षा की पहली प्राथमिकता मिली। ठीक है, जो आठवीं पंच योजना है इसमें शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तथा मानव के विकास ही इसका मुख्य कार्य रहा। जनसंख्या वृद्धि, देश के विकास हेतु संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, और योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन पर मजबूती मिली। ठीक है, पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव आदि मजबूत बनाने की नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो यह पंचवर्षीय आठवीं पंचवर्षीय योजना और देख लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना जो
97 से 2002 तक चली है, ठीक है। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य बराबर तरीके से देश की आर्थिक विकास करना था, ठीक है। इसे भारत के 50 वर्ष पूरे होने के दौरान लागू किया गया। विकास हेतु इसमें 15 साल पुरानी योजना नीति अपनाई गई, लेकिन यह योजना अपनी सभी आर्थिक विकास हेतु सफल नहीं रही, परंतु अन्य योजनाओं का इस गरीबी को समाप्त करना तथा घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर नई अवसर तथा मानव विकास आदि जैसे कार्यों को जारी रखा गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की विकास, ठीक है, व शिक्षा हेतु निर्माण व सफल पीने का पानी आदि की सभी कार्य जारी रखा गया। अगर इसका लक्ष्य की बात रखा जाए तो 6.5 लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई, 5.5% हुई। योजना के अंतर्गत अगर इस योजना की बात की जाए तो ये भी योजना असफल रही, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए तो कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तो जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना इसके द्वारा शुरू किया गया था, फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, दिया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर दिया है स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, फिर स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। फिर चौथा नंबर पे क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सभी जो योजनाएं हैं ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा 9वीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को क्या करना था, खत्म करना, समाप्त करना, घरेलू साधनों द्वारा आत्मनिर्भर मानव को प्रदान करना है। देश की आर्थिक विकास हेतु प्राथमिकता दी गई, प्राथमिक संसाधनों का उचित और सही तरीके से उपयोग करना था, ग्रामीण क्षेत्र के और अधिक बल दिया गया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक बल देना था, ठीक है। अब देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात यह 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 1907 से 2002 तक चली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी को पूरी तरह से मिटाना, देश को मजबूत बनाना और देश के लोगों के लिए नए अवसर गरीबी को खत्म करना था, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य था कि हर नागरिक की आय को दोगुना करना था, ठीक है, हर नागरिक की आय को क्या करना था, दोगुना करना था, ठीक है, तथा देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। 2003 में सभी स्कूल के बच्चों को दाखिला करवाया गया, तथा 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 60.2% की कमी नजर आई, जिसका लक्ष्य 8% रखा गया, लेकिन इसमें वृद्धि 7.7 हुई, ठीक है। अगर बात की कि 2001 से 2010 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितना रहा, तो 60.2% की कमी नजर आई, वृद्धि में जो जनसंख्या वृद्धि में 60.2% की कमी आई। अगर बात इस योजना में लक्ष्य कितना रखा गया, 8%, लेकिन वृद्धि कितना हुआ, 7.7। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व कार्य क्या रहे, अविकसित जगहों पर लोगों को रोजगार दिया गया जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है, क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, मतलब जो जो जगह विकसित नहीं था उसको विकसित करना जिससे लोग वहाँ के आत्मनिर्भर हो सके, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को 2007 में सबसे ऊंचे स्थान का दर्जा दिया गया, प्राथमिक शिक्षा को 2007 में सबसे ऊंची स्थान का दर्जा प्राप्त किया गया। अगर बात ये अभी तक की पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि विकास व ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया, ठीक है। अगर बात की जाए कि अभी तक की जो पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि विकास व ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात की जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली है, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की गति को बढ़ाना। इसके दौरान प्रधानमंत्री कौन था, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉक्टर मदन मोहन
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। इन्होंने जिनकी अगर प्लानिंग की बात करें, तरंग राजन जो एक समिति है इनके द्वारा एक प्लानिंग बनाई गई थी 2012 में, नदियों के जल को जो क्या बोला, नदियों के जो जल था, ठीक है, नदियों के जल के क्षेत्र को साफ किया गया, साफ करने का निर्णय लिया। 9, इस योजना के द्वारा नागरिकों के हित के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। योजना इस प्रकार है, ठीक है। नंबर 1 पे है प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना, नंबर 1 पे पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना। दूसरा है आम आदमी बीमा योजना। नंबर 3 पे है राजीव आवासीय योजना, ठीक है, राजीव आवासीय योजना। अगर बात की जाए कि इसमें कार्य क्या रखे गए थे, अगर बात की जाए कि इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या कार्य थे, तो विकास हेतु साल भर में 9% का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कृषि के विकास हेतु 4% का उद्देश्य एवं सेवा में 9% से 11% का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कृषि में 4% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि सेवा में 9.9 से 11% का लक्ष्य रखा गया था। ग्राही पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, अगर बात करें ग्राही पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था, तो तेज और अधिक समावेशी था, ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास रखी गई थी, ठीक है। अगर बात की जाए कि ऊर्जा को और अधिक विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को पहुंचाना था, ठीक है। और इसमें जो लास्ट था, जो लास्ट कार्य क्या हुए, इस सभी के लिए पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना तथा इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था, ठीक है, सभी को स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध कराना इसी योजना के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए बारहवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक चली है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु ऊर्जा, उद्योग, कृषि, संचार, परिवहन जैसे सुविधाओं को देने की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्य जैसे शिक्षा हो गया, कृषि, उद्योग, ऊर्जा जुड़ गया, ठीक है। आर्थिक विकास सालाना 8% का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास के लिए ग्राही पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटकर 8.1% कर दिया गया, ठीक है। 9% से घटकर कितना हुआ, 8.1% हो गया, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य क्या थे, तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में तक बिजली की सुविधा को उपलब्ध कराना था, ठीक है। और बात की जाए कि जो 12 से 17 तक पंचायत योजना बनानी चली, इसका महिला मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा को उपलब्ध कराना था, ठीक है। 17 तक सभी घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना था। समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था, ठीक है, तथा सभी के बैंकिंग की सुविधाएं हेतु जागरूक करना था, ठीक है, सभी को बैंकिंग सुविधाओं हेतु जागरूक करना था। अगर बात की है, मोदी सरकार ने 2014 में योजना को ख़त्म करके उसका नाम क्या रख दिया, 2015 में नीति आयोग रख दिया, ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया। अब योजना की तैयारी पंचवर्षीय योजना अब नहीं रही, ठीक है। अब इसके द्वारा 15 साल का लॉन्ग टर्म संदृश्य प्रलेख तैयार किया गया है, जिसमें 5 साल के लिए रणनीति बनी है। 13 ईयर का एक्शन एजेंडा पेश किया जाएगा, जिसमें यह साफ साफ लिखा जाएगा कि देश की सरकार देश के नागरिकों के हित के लिए क्या क्या सुविधा योजनाएं देने वाली है, जो कि सरकार ने को 1935 तक के विकास के मार्गदर्शन करेगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।